वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके अनचाहे बालों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ कि फ्रेंड्स, उसको अगर आपने एक बार लगा लिया तो फ्रेंड्स, आपको उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, उसको लगाने के बाद में जब आपके बाल आएंगे तो फ्रेंड्स, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपके बाल आएंगे, आपके बालों की ग्रोथ को वो धीरे धीरे बिल्कुल कम कर देगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी एक नुस्खा है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको आज हम बताते हैं, आपके साथ इसको शेयर करते हैं ताकि इससे आज आप भी फायदा उठा सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे अपना एवरी पीर ऑफ मास्क। तो फ्रेंड्स, आप इसको जानते होंगे, ये आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इससे तो बिल्कुल वाकिफ होंगे कि किस तरह से हमारी स्किन पर काम करता है, ये एक पीर ऑफ मास्क है। लेकिन आज हम इसी से एक ऐसा मास्क बनाएंगे कि जिससे ये आपके अनचाहे बालों को आसानी से जड़ से बिल्कुल निकाल देगा और आपकी स्किन को ऐसा ग्लो देगा प्यारा सा, क्या जैसे कि आपने बाहर जाकर पार्लर में जाकर कोई वैक्स करवाई हो। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको अब काट लेते हैं और इसमें से जो इसका पील ऑफ है उसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरी तरह से इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है, अपने बाउल के अंदर इसको डाल लिया है। और इसके बाद में हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो ही हमारे बालों को आसानी से बाहर निकालेंगे और हमारे बालों को दोबारा आने से भी रोक देंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना हाफ टेबल स्पून बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। फ्रेंड्स, जो भी आयुर्वेदिक, जो भी देसी दवाई, जो भी देसी नुस्खे होते हैं उनका हमारी स्किन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप देसी नुस्खों को अपनाइए और अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाइए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दूसरी इसमें चीज ऐड करेंगे अपनी हल्दी, यानी कि टर्मरिक। फ्रेंड्स, हम इसमें हल्दी इसलिए ऐड करेंगे, हल्दी से हमारी स्किन पर एक बढ़िया सा निखार आएगा, हमारी स्किन बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएगी। आपकी स्किन ऑयली है, कोई आपके स्किन पर दाने वगैरह होते हैं तो उससे आपको कोई इसे लगाने में परेशानी नहीं होगी। तो हम इसके अंदर हल्दी अपना एक चुटकी के करीब ऐड कर देते हैं। हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, एक एंटीसेप्टिक होती है, तो इसलिए हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं ताकि इसका कोई भी गलत प्रभाव आपकी स्किन पर ना पड़े। और इसके बाद में हम लास्ट जो चीज है अपनी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, वो होगा हमारा कोलगेट। तो हम इसमें कोलगेट ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसमें कितना डाला है, सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर हमने इसमें कोलगेट ऐड करना है। इतना ही इसका काफी रहेगा, ये काफी तेज होता है, इसके जो इफेक्ट होते हैं। तो अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मिक्स करना है कि ये इसका बढ़िया सा आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा आपकी स्किन पर लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा पेस्ट पूरी तरह से अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको बताते हैं आपको कि इसको आपको लगाना किस तरह से है। इसको लगाने के लिए आप अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको पूरी तरह से सुखा लीजिए। जब आपकी स्किन पूरी तरह से सूख जाएगी, आपकी स्किन पे कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रीम नहीं लगानी आपको, कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना आपको इसको लगाने से पहले। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको इसको लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से आपकी स्किन पर लग जाएगा तो उसके बाद में इसको सूखने के लिए करीब 20 से 25 मिनट पूरे इसको लगेंगे। और फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, पूरी तरह से सूख गया है, तो उसके बाद में आपको इसको पील करना है, यानी कि आपको इसको उतारना है। तो फ्रेंड्स, उससे आपकी स्किन पे जितने भी आपके अनवांटेड हेयर होंगे वो आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन पर जब आप इसको हटाएंगे तो ये साथ ही साथ उन सारे हेयर्स को अपने साथ लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये हमारी रेमेडी है जो आज हमने आज आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से अपनी और नई वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड, गुड बाय।